नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज अमृतसर वालों आया जॉब रिक्रूटमेंट का। तो टोटल 23 पोस्टा ने, क्लर्क दिया पोस्टा ने, इतने तुम चैक कर सकते हो। तो लास्ट डेट इसमें अप्लाई करन दी है 21/10/2021 तक तुम इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एंड नेम ऑफ पोस्ट का गल करिए, क्लर्क दिया पोस्टा ने टोटल 23 असामिया ने। तो ग्रैजुएशन लैवल कोई भी तुम ग्रैजुएशन की है, बी ए बी कॉम बी एस सी, तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो एज लिमिट 18 तो 37 साल एज लिमिट इतने इन्होंने मैनशन की। सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए, सिलेक्शन किमें होगी, रिटन एग्जाम होगा, जनरल नॉलेज तो इंग्लिश कंपोजिशन का, तो 40% मार्क्स लैने ने। जस्ट जो तुम क्वालीफाई कर लेने हो तो ईजली थोड़ा सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा भी टफ एग्जाम नहीं आता इस चीज़ रिलेटड। सिर्फ जनरल नॉलेज से इंग्लिश रिलेटेड ही क्वेश्चन थोड़े तो पूछे जाएंगे, पैराग्राफ टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो जनरल नॉलेज तुम्हें पता ही कितने भी चक के पा सकते हैं। बाकी जनरल नॉलेज रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल तुम मेरे तो बाय कर सकते हो, सिर्फ 44 रुपीज़ भी। पीडीएफ बाय करने तुम मैं इस इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुम इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल में बाय कर सकते हो। पोस्ट अप्लाई किमें करनी है, तुम्हें इस तरह का परफॉर्मा डाउनलोड करना पड़ेगा। सब तो पहले इतने अपना नेम फिल करना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नैशनैलिटी, परमानेंट एड्रस, कोरसपोंडेंस एड्रस, सारा कुछ इतने फिल करिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रस। तो तुम 10वीं क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट पास हो, मतलब 10वीं क्लास में तुहाडे कोल पंजाबी सब्जेक्ट सी, तो इतने आप यस लिख देंगे। जो एक्सपीरियंस है तो इतने आप यस या नो लिख सकते हैं। इस तो बाद इतने आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने, सब तो पहले 8वीं कि बोर्ड तो आप पास की है, किस साल 8वीं क्लास आप पास की है, किन्ने मार्क्स बिचों टोटल किन्ने मार्क्स तुम्हें मिले ने, ते किन्ने परसेंटेज बनते हैं। इस तरह मैट्रिक दे, इस तरह अपने 12th दे ते ग्रेजुएशन दे मार्क्स आप लिखने ने। इस तो बाद अपने शहर का नाम लिख दो जितों तुम पोस्ट में अपलाई कर रहे हो, तो जिस डेट में अपलाई कर रहे हो उत्थे आप डेट फिल कर देंगे, तो एंड इतने आप सिग्नेचर करके नाल कि डाकूमेंट की फोटो कॉपी लगानी, आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का आप प्रूफ लगा सकते, 10th का सर्टिफिकेट या कोई भी थोड़े को प्रूफ है डेट का, डेट ऑफ बर्थ का वह आप लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी लगाने, 10वीं क्लास विद पंजाबी पास होना कंपलसरी है, तो 10th क्लास तो इलावा आप 12th के ग्रैजुएशन सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी लगानी है, तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी लगानी है। जो एक्सपीरियंस है किसी वर्क का तो उसकी फोटो कॉपी भी तुम लगा सकते हो, जो नहीं है तो ना लगाओ फिर भी चल जाएगा। इस तो इलावा आधार कार्ड की फोटो कॉपी आप लगानी है, तो दो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो तुम इस परफॉर्मे चपेनी है। एंड जो ये फॉर्म पूरा फिल कर लिया, अपने सारे डाकूमेंट की फोटो कॉपीज़ के नाल अटैच कर ली, इस तो बाद करना की है किसी भी बुक स्टोर पर जाना, उत्थे एनवल्प लेना, पोस्ट करने वाला एनवल्प हों, एक सारा फोल्ड करके सारा जोड़ा भी फॉर्म है फोटो कॉपी आप अटैच कितियां उस लिखना है, तो उसके उपर यह एड्रस इन्हों का राइट डाउन करना। ठीक है, सैशन जज अमृतसर आप उसका एड्रस पा के हूँ जाना पोस्ट ऑफिस में, जाना पोस्ट ऑफिस में जाके आप स्पीड पोस्ट के थ्रू इन्हों के दिते हुए पते उपर अपना फॉर्म नू सेंड कर देंगे। ओके दोस्तों, इस पोस्ट रिगार्डिंग होर कोई जो तुम जानकारी लेना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इससे मैंने फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी तुम ले सकते हो। एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है।